का उपयोग करें, डाल करके सोएं। ये देखो भय जो है क्यों उत्पन्न होता है, इस विषय पर आप अगर आपसे बात करूं मैं कि ये भय है क्या और भय उत्पन्न होता क्यों है हमारे शरीर में। तो देखो भय है, डर है ना, हंसी है, खुशी है, इस तरह के जितनी चीजें हमारे शरीर में उत्पन्न होती है ये सभी रसों का कमाल है। हमारा जो शरीर है ये 1700 तरह का रस बना सकता है हमारे शरीर में। हाँ, जो पुराना आयुर्वेद है उसके हिसाब से 1700 तरह का रस बना सकता है, और ये अलग अलग रस जो है वो हमारे मस्तिष्क में अलग अलग तरह के विषय उत्पन्न करते हैं। जब भी हमारे मन में खुशी का कुछ भाव आता है तो उस भाव को चेहरे पर एक्सप्रेशन लाने के लिए और उसका क्रियान्वयन करने के लिए शरीर एक रस बनाएगा। उस रस का काम है कि खुशी का, सुखी का भाव उत्पन्न कर देना। जब हमें डर होता है तो डर का जो क्रियान्वयन है या डर का जो भाव हमारे चेहरे पर जो उत्पन्न होता है उसके लिए शरीर में एक रस बनता है, और वो रस जा करके डर हमारे चेहरे पर डर दिखा देता है, भय दिखा देता है। तो ये जितनी तरह का दया, हमें जब किसी पर दया आती है तो आप देखो कि चेहरे पर एक अलग तरह का भाव आता है, खुशी में एक अलग तरह का भाव आता है। जब कभी हमें विलाप करने का मन करता है तब एक अलग भाव आता है, हमें जब खिलखिलाकर हंसने का मन करता है तो अलग भाव आता है। डर की भी बहुत सारी प्रकृति है, हम कभी कभी स्वयं से डर जाते हैं, स्वयं से डरने का भाव अलग होता है। हम रास्ता चलते हुए दुर्घटना से डरते हैं, दुर्घटना का भाव चेहरे पर अलग तरह का आता है ना। तो डर के भी बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं, खुशी के भी बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं। अब ये सारी चीजें जो है वो हमारे शरीर में उत्पन्न हुए रस के कारण है, और ये रस में जब भी विकृति होती है, जब भी इन रसों का संतुलन बिगड़ता है तो इस तरह की चीजें हमारे शरीर में आती है, और ये चीजें आती है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाने से। जब हमारे शरीर के सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब ऐसी स्थितियां आनी शुरू करती है। इसलिए ऐसे विषादों से बाहर निकलने के लिए हमें जो है सबसे पहले करना चाहिए कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देना चाहिए, शरीर में भरपूर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है शरीर में तीन तरीकों से हो सकता है। एक श्वास के माध्यम से हो सकता है, जिसकी पूर्ति तभी होगी जब हम ऐसे वातावरण में रहें, अपने घर का माहौल और इन सारी चीजों को इस तरह से बना करके रखें कि हमारे घर में ऑक्सीजन का अनुपान अधिक से अधिक हो सके, तो हमें श्वास तंत्र के माध्यम से मिलेगा। पॉल्यूशन वाले क्षेत्रों में या पॉल्यूशन की जगह में हम जाने से बचें वहां पर, तो उससे हमें ऑक्सीजन की पूर्ति मिलेगी। पॉल्यूशन से अगर हम अपने सूती कपड़े का मास्क लगाते हैं तो वो मास्क जो है अपने को पॉल्यूशन से बचा सकता है। तो ये चीजें, मैं कोरोना वाले विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना से बचने के लिए मास्क कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपको वायुमंडल के धूल कण और ऐसी चीजों से बचा करके बिल्कुल रख सकता है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और इसमें केवल देखो सूती कपड़े का ही उपयोग करना चाहिए, केवल कपास का ही बना हुआ उपयोग में लाना चाहिए, दूसरा कोई भी विषय कोई भी चीज का बिल्कुल काम में नहीं लेना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो बाजार में अभी जो मिल रहा है और सरकारें जो बांट रही है दे रही है उसमें प्लास्टिक के क्या क्या वो लोगों ने फिल्टर विल्टर और लेने के लगा दिए हैं। देखो प्लास्टिक के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट्स ए कंसंट्रेटेड कार्बन, ये किसी भी कीमत पर और कैसे भी कहीं भी हमारे शरीर को सहयोग करने वाला तत्व है ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं हमें तो नुकसान पहुंचाने वाला है। तो आप कपास के कपड़े का जो है बुना हुआ आप लगाइए, तो इसमें श्वास के माध्यम से हमें ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरी गैसों को लेने से हम बचा सकते हैं। जो छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स हैं या मेटल पार्टिकल्स जो हवा में घुले हुए हैं उससे भी ये जो कपास का जो मास्क है वो बचा सकता है। दूसरा है जल के माध्यम से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, तो जल ऐसा पीजिए जिसमें से ऑक्सीजन की अधिकता हो। तो उसके लिए देखो अपने पास से गोमय भस्म है, गाय का जो गोबर है उसमें अगर सीधे सीधे अगर आप एनालिसिस करो उसका तो उसमें 23% गोबर है, उसको जला करके अगर हम राख बना देते हैं तो उसमें 40% हो जाता है, और इस तरह से 60% तक ऑक्सीजन कंटेंट्स करने वाला है ये राख। तो हमें अभी डर से निकलने के लिए तरल के माध्यम से शरीर को ऑक्सीजन देना है,
तो हम भस्म जल का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि गाय का जो गोबर है उसमें देखो इतना है, और इसमें अगर आपको कुछ प्रमाण चाहिए कि भाई बिना प्रूफ के लोग मानते नहीं है, तो आप हमारे वेबसाइट पे चल जाओ panchgavya.org के ऊपर, वहां पर जो है गाय के गोबर का भस्म का केमिकल एनालिसिस रखा हुआ है, आयुष अप्रूव्ड लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट रखा हुआ है जो ये प्रमाणित कर देता है कि गाय के गोबर में कितना ऑक्सीजन है। तो आप चाहिए तो लोगों को प्रमाण के रूप में वहां से निकाल करके दे दो और प्रचारित करना शुरू कीजिए कि गाय का गोबर ऐसे ही लक्ष्मी नहीं है, हाँ वो ऑक्सीजन उसमें बहुत ज्यादा है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो है कहा है कि इसमें प्राणवायु है, इसमें ऑक्सीजन है, तो जो है पानी के माध्यम से हम अपने शरीर को ऑक्सीजन दे दें और भोजन के माध्यम से भी हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो भोजन के माध्यम से तो देखो जैविक अनाज है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, जैविक अनाज नहीं मिलता है तो कम से कम आप भोजन का प्रिपरेशन ऐसे बर्तनों में कीजिए जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट्स वाला है। इसमें देखो अल्मोनियम बहुत ही खतरनाक है, नॉन स्टिक है वो भी बहुत ही खतरनाक है। अल्मोनियम के जो अणु होते हैं वो बहुत भारी अणु होते हैं, हाँ देखो वो धातु तो हल्का होता है लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके मॉलिक्यूल्स के वो बहुत हैवी होता है। तो कैसे भी उस बर्तन में भोजन पकाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स भोजन में घुलते हैं या उस बर्तनों में हम भोजन रखते हैं तो उससे उसका मॉलिक्यूल्स जो है गर्म भोजन में घुल जाता है और घुल करके हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो ये जो अधिक भार वाले जो अणु हैं वो हमारे शरीर से जीवन में कभी बाहर निकल नहीं पाते, तो वो संकट पैदा कर सकता है। उसी के जगह अगर आप लोहा ले लो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम है, इससे वो नहीं घुलता, और अगर घुल भी जाए तो हमारे शरीर में आयरन की जरूरत पड़ती है, उसकी वो पूर्ति कर सकता है। हम तांबा ले लें, कांसा ले लें, और देखो दुनिया तरह की बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। अब चीनी मिट्टी के बर्तन में भी देखो एक लफड़ा ये आ गया है कि चीनी मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए उसमें जानवरों के हड्डी के डस्ट मिलाए जा रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये चीन में होता है क्योंकि वहां जानवर ज्यादा कटते हैं, वहां हड्डियां बहुत सस्ती मिलती है और उसका डस्ट पाउडर उसमें मिला देते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन पतले और मजबूत बनते हैं। तो आप चीन वाला चीनी मिट्टी के बर्तन में नहीं जाना। यहाँ भारत में बहुत सारे जो कुटीर उद्योग में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं जो आपको मोटे रहेंगे, मजबूत ज्यादा नहीं रहेंगे, इन बर्तनों को आप काम में ले सकते हो। उसमें मुल्तानी मिट्टी, चूना आदि चीजों को मिला करके बनता है, वो कोई नुकसानदायक नहीं है, है ना। तो भोजन के माध्यम से जो है आप शरीर में ऑक्सीजन देने का प्रयास कीजिए, जल के माध्यम से ऑक्सीजन देने का प्रयास कीजिए, और फिर वायु के माध्यम से ऑक्सीजन देने का प्रयास कीजिए। हमारे शरीर के प्रत्येक सेल को अधिक से अधिक ऑक्सीजन युक्त अगर रक्त मिलेगा तो हमारे शरीर का पूरा रस संतुलित रहता है, और रसों का अगर संतुलन हो तो बेवजह किसी भी विषय को लेकर के डर उत्पन्न नहीं होता, बेवजह किसी विषय को लेकर के खुशी नहीं आती, है ना। तो इस तरह का जो संवेदना से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं हमारे, इन व्यवहारों को भी अच्छा रखने के लिए जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सेल्स के माध्यम से, और इसकी अच्छी सप्लाई जो है वो गाय के गव्यों से हो सकता है, चाहे तो गोबर ले लो आप, चाहे गौमूत्र ले लो आप, या फिर गाय के क्षीर से बनी हुई दूसरे गव्यों को ले लो आप। तो इसका